अलैहिस्सलाम पूछा, फरमाया आज अर्श से सारे फरिश्ते ये लिबास पाया जिहड़ा हज़रत बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला तो मैं हज़रत उस्मान गंदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु होर कोई फजीलत ना होवे। फरमाया जिस बंदे ईमान की हालत दे विच और उसने इस हालत में खात्म होए होवे आप अलैहिस्सलाम ने दीदार किया होवे या आप अलैहिस्सलाम उसकी इजाजत की होवे और फरमाया उस अल्लाह पाक जहन्नम ने आग को हराम कर दे साबी रसूल। और असिदा इस गल ते अकीदा नजरिया सारी दुनिया ने रौस कुत्ता वली इकट्ठे थी वन पूरी दुनिया ने बेच और ताबी तबा ताबी शुहदा शेख उल हदीस हुफाज उलमा वो एक साबी निशान को नहीं पहुँच सकते क्यों कि उन्हें आप अलैहिस्सलाम ने की थी ज़ियारत की थी। नबूवत का दरवाज़ा बंद होया तो साबियत ने भी बंद होगा साबियत ने भी बंद होगा ये वाबी चीज़ है कस्बी चीज़ है अल्लाह पाक उनको अता की थी और ये अल्लाह ने इंतखाब है अल्लाह पाक ने कहे हुए इंतखाब नहीं पास खुद चाहने कि जनाब अबू तालिब भी साबी बन बने उन्होंने चचा हज़रत अली ने वाले थे नहीं पास चाहने और आप अलैहिस्सलाम उनको बार बार आखा भी है भाई मैं कान बिच कलमा पढ़ गए लेकिन अल्लाह नहीं चाहने अल्लाह पाक नहीं अल्लाह ने इंतखाब है वो साहबी नहीं बने वो साहबी हजरत इकरमा अबू जहल ने बैठे कहने बैठे अबू जहल इस्लाम बहुत तकलीफ देते आप अलैहिस्सलाम ने बेटियों को तलाक दी थी और दीन ने बड़ा नुकसान पहुँचाया और हजरत इकरमा ने बीवी वो बार बार उमेहानी चाहती कि इन इस्लाम में चावे क्या वजह इस्लाम में चावे और वो बार बार आप सलाम फरमानी कि मैंने खामिन इकरमा सलाम फरमाने वो अगर बैतुल्ला ने गुलाब को नब की भी माफ़ी मांगे ना साहबों को फरमाने उस उठा ही कतल कर दी बहुत परेशान दूसरी गल बात आवे नहीं अल्लाह रसूल हज़रत इकरमा कारण कोई नरमी वो पहले मुसलमानों में मदीना आके आप सलाम फरमाने कि इकरमा कारण कोई माफ़ी नहीं त्री हज़ार बात आने फरमाया अल्लाह रसूल मैं को इकरमा ना बड़ी मोहब्बत है और इकरमा कारण अज आप अलैहिस्सलाम उभर रहे नहीं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आवेन और फरमैन कि अल्लाह रसूल अल्लाह पाक इकरमा को तुहाड़ी साबियत वास्ते चुन के दा अल्लाह इंतखाब दिता की किया उन छोड़ के वेने पे वात हज़रत इकरमा जी जान दिती और हज़रत इकरमा ने जी शहादत है वो अगर बता वाक्य पढ़े उस जंग ने हालात पड़े जो शहीद थे और मुसलमानों को उभारा ने फरमाया ने कि आज मेरे को ज़्यादा नहीं चाहिए बस अठ दस बंदे ही आ वजन जे मौत पर बैत करके ने फरमाया जन्नत इंतजार पे करे नहीं मुसलमान एक बार फसाई पिछा हटाए फतह काफरा को नहीं पई हज़रत इकरमा जी ने तकरीर की थी और बात अपनी जान नजराना पेश किया ने अल्लाह पाक मुसलमान बात फतह दी बहुत अजीम शहादत हज़रत इकरमा तकीबे के हज़रत इकरमा इंतखाब है सिर्फ हज़रत उस्मान गनी वास्ते इतना हो भी कि साबी रसूल उनके बिन साबी और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वास्ते भी कि उनके बिन उन्होंने फजर आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि उमर अगर मेंढे बाद नबूवत दरवाज़ा खुला हो गया तो ई सलाहित उमर बिन खताब बेचन ई मेंढे बाद क्यों हो गया नबी फरमाया मेंढे सारे सहाबा मुरीद हैं उमर मुराद नबी वे अल्लाह पाक हज़रत उमर को अल्लाह को मंगा आप अलैहिस्सलाम के कीता अल्लाह पाक को मंगा कि दो उमर बिचो एक उमर बिन अबू जहल है अबू जहल ना उमर है एक हज़रत उमर बिन खताब अल्लाह पाक इन्हें इंतखाब अल्लाह पाक इन्हें ना इंतखाब फरमाए दो उमर और फरमाया उमर जिस राय तो चलना शैतान उस राय को छोड़ देता फरमाया कि अल्लाह पाक उमर ने जबान ते हक को जारी कर देता पहाड़ से खड़ोते हज़रत बकर उमर उस्मान जज़ल आया आप अलैहिस्सलाम पाँव मारा फरमाया कि रुक जा तुरंत तो एक सदीक और दो शहीद खड़ोते पहले पेशन कोई देती बहन क्यों हुसैन शहीद हो और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ना जेड़ा ज़माने खिलाफत है आज भी काफिर लोग आखदे कि अगर एक उमर हुए और वत उमर बिन अब्दुल अजीज़ आए अगर इंजा हार त्री उमर आ वन जाए तो दुनिया तो कुफर निशान बिठ वन अमीर उल मोमिनीन वक़्त ने बादशाह बिन शामी गश्त करने वतने और एक काफला आया उत्थू निसले वेखने त
ਰਾਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪੜਾਓ ਥੀਆ ਪਾਵੇ ਘਰ ਔਰ ਅੰਦਰ ਝੋਪੜੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਪਈ ਰੋਣੇ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਕਰੀਆਂ ਪੱਥਰ ਕਟਵੀ ਪਾ ਕੇ ਹਲੈਣੀ ਪਈ ਬਾਈ ਆਪ ਪੁੱਛਾ ਬਾਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਕੋਨੀ ਬੱਚਾ ਮਿਲਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਬਾਈ ਯਾਰ ਅੱਗ ਕਟਵੀ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਚੜ੍ਹਨੀ ਪਈ ਇੰਨਾ ਸਹਿ ਵੈਸੇ ਯਾਰ ਕੀ ਕਰੇ ਸਹਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਕਰਨਾ ਸਹਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਕੋਨੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਉਸ ਕੋਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਕੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕਦੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਆ ਮਾਤਾ ਦਿਹਾੜੇ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੀ ਖਬਰ ਗਿਣਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਲਾਮ ਅਸਲਮ ਨਾਲ ਹੈ ਇੰਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਂ ਔਰ ਗਏ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਚੋਂ ਅਸਲਮ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਉਸ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਿਕੂ ਚਵਾਓ ਕੋਈ ਆਟਾ ਕੋਈ ਘੀ ਸਮਾਨ ਜੂਰਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਮਾਤਾ ਦਾੜੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਨ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਸਮਾਨ ਚਾਹ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਉਸ ਕਟਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਹਲਵਾ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਔਰ ਇੱਥੇ ਨੇ ਪਰੇ ਤੱਕੇ ਨੇ ਪੈਣ ਪਰ ਮੈਂ ਅਸਲਮ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਣਾ ਵੇਖਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਹੱਸਣਾ ਵੇਖਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੈਸੇ ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਸ ਗੁਲਾਮ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਬੱਚੇ ਮੁਸਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਵਜਾ ਤਾਂ ਵੱਤ ਉਸ ਔਰਤ ਸੁਣਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰ ਅਮੀਰੁਲ ਆਪ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਵਹਿਣੇ ਪੈਣ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਦਮ ਗੁਲਾਮ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਸਾਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੂੰ ਪੈਦਲ ਚੱਸੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ 'ਤੇ ਸਵਾਰੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੁਹਾਰੇ ਔਰ ਗੁਲਾਮ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗੁਲਾਮ ਕਿੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਾਉਣੇ ਪੈਣ ਕਿ ਇਹ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਅਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਣ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਜਿਸਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਪੇਵਣ ਲੱਗਿਆ ਚਮੜੇ ਨੇ ਕਸਨੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਪੇਵਣ ਐਸਾ ਅਮੀਰੁਲ ਮੋਮਿਨੀਨ ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਵਜਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਹਲਾਲ ਹਰਾਮ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਨੇ ਖਾਸ ਉਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਸ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਆਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਲਾਹ ਨੇ ਦੋ ਤਰੇ ਆਪ ਅਲੈ ਸਾਤ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੋ ਜੰਨਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਨੀ ਜੰਨਤ ਦੀ ਕੀ ਆਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਨੀ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਸਜਦੇ ਕੋ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਜਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੰਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਆਉਣੇ ਪੈਣ ਆਪ ਜੁਮੇ ਨੇ ਖੁਤਬਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਢਹਿ ਪਏ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਖੁਤਬਾ ਛੋੜ ਕੇ ਫੌਰਨ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ ਉਠਾਏ ਖੁਤਬਾ ਛੋੜ ਕੇ ਦੌੜ ਖੁਤਬਾ ਵੈਸੇ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਵਾਜਿਬ ਹੈ ਆਪ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਇਤਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਡਾਨਿਆ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਖੂਨ ਹੋਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਵੜਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਕੋਲ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੁੱਛਿਆ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਉਮਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਨੀਅਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਜਾਫਰ ਦੇ ਸੀ ਉਸ 'ਤੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਿਰ ਇਸਰਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਫਰਮਾਇਆ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਉਥਾਂ ਹੀ ਫੌਰਨ ਹੀ ਉਸੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫੌਰਨ ਆਏ ਖੁਸ਼ ਸਾਬਕ ਕੋ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਓ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਰੀਮਾ ਔਰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਬਕ ਖਮੋਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੰਮ ਕੋ ਨਾ ਆਸਨ ਉੱਥੇ ਮੈਂਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੰਮ ਆ ਸੀ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦਾ ਮੈਂਡਾ ਖੂਨ ਕੰਮ ਆ ਸੀ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂਡੀ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਜੋੜ ਵਜੇ ਆਪ ਅਲੈ ਸਲਾਮ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਕੇ ਬਣ ਵਜੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੇਪਾ ਸਲਾਮ ਕੋ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਬੇਟੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਨੇਪਾ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸੁਸਰ ਹੈ
मैं हज़रत अली को बेटी गिन के इस नाती की ता रिश्तेदारी जोड़ी। तो आप अलैहिस्सलाम ने रिश्तेदार यत इमाम हुसैन वैसे खानदान ने जड़ा एवे ये चलना वाले की तरफों किसी तरफों चलना वाले तरफ आप अलैहिस्सलाम इन्ना फजीलत बयान की थी इमाम असद इमाम हुसैन को कि आप अलैहिस्सलाम ने बेटा आया कौन बेटा आया कौन और इन्ना को कि जड़ी हजरत फातिमा को हजरत अली को हजरत इमाम हसन को इमाम हुसैन को जिन्हें बार आखना पाई तन पा क्या आखा वेना भाई इन अहले बैत चुके इनकी वेन अहले बैत चुके ये गल आप अलैहिस्सलाम फरमाया वाकईतन ठीक है इन पहले अहले बैत शामिल नहीं पहले अहले बैत शामिल नहीं इस गलत गौर कराए इन पहले अहले बैत शामिल नहीं नबी पाक सलाम इनको फजीलत अता फरमाई और आप अलैहिस्सलाम फरमाया तो आप अलैहिस्सलाम अल्लाह को दुआ मंगी और फरमाया कि इन मैंने अहले बैत क्यों बने शामिल हो बने जेड़ी कहनी बीवी बन वैनी उस आखा वैना घर आली क्या आखा वैना घर आली उसने कोई कौम हो वे कोई कबीला तलक है जिस अले वातु फौत थी नहीं तो ऐलान थी ना तो कौम की दसी वैनी शोर की दसी वैनी और आखा वैना इसकी घर आली अहले बैत आना आखा वैना घर आले अहले बैत क्या आखा वैना घर आले तो सा क्या आखा वैना घर आले वो तो पहले अजवाज मोहतरा जितनी भी नहीं पास लमियाँ उन अहले बैत चाहिए उन क्या हैं आप असलम ने घर आली हैं आप असलम ने क्या हैं घर आली हैं आपने खानदान में अहले बैत चाहिए बेटी जिते पढ़नी वैनी उस खानदान की होनी वो क्यों नहीं उस खानदान जिस खानदान में उसने क्यों बने शादी हो बने वो इस खानदान ने बेच नहीं गणी वैनी वो जिस खानदान पर नहीं गई उस खानदान ने बेच गणी वैसी और आप अलैहिस्सलाम हजरत फातिमा हजरत अली ना ने कहा होया आप अलैहिस्सलाम ने बेच पहले बैत नहीं आप अलैहिस्सलाम फजीलत वास्ते फरमाया कि मेरी रस्सा जी हो सी मेरा खून हो सी हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन चो सी और फरमाया या अल्लाह इन मेरे अहले बैत चुके हाँ कोई बंद आके बाज लोग आखिर के आप अलैहिस्सलाम इन्ना फरमाया उन अजवाज मुता बीवियाँ कट छुड़े ने बीवियाँ अल्लाह ने कुरान बीवियाँ अहले बैत आखा और नबी पाक सलाम इन्ना अहले बैत आखा असी ना दुहाई अहले बैत मने अल्लाह को भी मने ना अल्लाह रसूल को भी मने ना इन भी अहले बैत के बिचु बिन और उन भी अहले बैत के बिचु बिन उम्महातुल मोमिनीन उम्मत ने माँ आखा गया उम्मत ने क्या आखा गया माँ माँ आखा गया और उन्हें कोई फजीलत है फरमाया जे नबी ने बीवी होनी वो नबी ने दुनिया तो पर्दा फरमाने तो बाद वो निकाह नहीं कर सकते और उन्हें निकाह हाँ पूरी उम्मत ने क्यों होनी माँ होनी और बाद इस भी गल लिखी कि क्योंकि नबी से मौत नहीं आनी नबी जिंदा होना इस वजह से उसकी अजवाज मोहतरात उसके निकाह क्यों होनी हाँ बाकी होनी तो हजरत उस्मान भी जिंदा हजरत उम्र फारूक भी जिंदा हजरत इमाम हुसैन भी आजिंदा हजरत इमाम हुसैन भी आप अलैहिस्सलाम ने नवासे भी हजरत उम्र फारूक आपने सुसर हैं और हजरत उम्र हजरत उस्मान गनी आपने दोहरे दामाद हैं इतने रिश्तेदार हैं आप अलैहिस्सलाम ने किए रिश्तेदार हैं जवादरा भी रिश्तेदार होना दामाद और नवासा भी तो सुसर भी क्यों होने रिश्तेदार शरीयत में सुसर को फरमाया वालिद ने हुक्म है एक असन हुक्म है वालिद ने हुक्म है तो सब तो मेन चीज़ है अज इस गल जी मेहनत होनी पी कि इन्हें त्रोड़ने की कोशिश की वेनी पी असले जहन में जत्ती बराबर भी गल नहीं आखनी चाहनी तारीख की किताब बेशक लिख हो पा कहें अज सब तो ज्यादा नुकसान है फेसबुक वाला मैं इतनी कि बंदे को कहा तू रवैत लिखते कोई मन गलत कोई अपने कोल उस लिख के फेसबुक पर चाड़ दी बस न कह पूछा न कह कीता उस आखा बस ये रवैत इंजा ये बात ली मेहनत है इस यहूदिया ने कब्जा इस कहने कब्जा यहूदिया ने मैं तहकीक करा मैं पूछा कि वाकईतन ये गल ए आज ना दो जवान जड़ा वो इंजीनियर अली मोहम्मद के गुलाम मोहम्मद उसमें एक नाम है उसने तकरीर सुन के उसने बयान सुन के अगर इंजीनियर उसका काम है दीन बयान कर उसने कोल तो बंदा इमारत बनावनी तो उसने बारे मशवरा कर जिसने बिच उस
तालीम हासिल की, मेहनत की, इसको डिग्री दी, इंजीनियर को डिग्री वे, ये उसका शोभा उसका काम, ये मसैल और दीन ने बारे ये जिन्ना चटाइए तो बह के पढ़ा आले बने मुफ्ती बने उन्होंने काम है इन मसैल उन जाने इंजीनियर नहीं जान, इंजीनियर वो मसैल नहीं जाना। हाँ कोई बंदा मैंने को आके मैं कोठी पावनी तो मैं बन के आखा बिहार तो मैं दसना से इतना सरिया लग सी इंज आरा खटा इंज तो कोई असी बेवकूफ है सारी जिंदगी मैसे पढ़ने ऐसा कि ना के पता वे इंजीनियर ने कोठी इस सिस्टम होना के काम होने कितनी हेटा लग सकते कि इंजीनियर अगर वेखे तो दसते सी इस कोठी ने जितनी हेटा लगे पे सर तक के दसते सी उठा ही पैमैश के फुटन हिसाब उसको पढ़ा उसकी मेहनत की उसको तालीम तो उसका जो शोभा उस शोबे ने बिच असी वेखा असी फेसबुक ने बिच कदे भी उन्होंने लोगों उन्होंने बयानात गलत किस्म हाँ बौरा माँ वैसे मन गलत चीज़ा हजरत अली ने फजैल हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन अलैहि सलाम लिखो उसी भाई वो नबी नए वो नबी नए सहाबी है और निवासी भी है दो आपके खानदान में भी है और सहाबी रसूल भी है लेकिन असी मने ना इमाम हुसैन निशान है लेकिन हजरत बकर तो कम है हजरत उमर तो कम है हजरत उस्मान हजरत अली तो केवे कम है हजरत अबू मुआविया तो कम है शाम तरतीब आनी पई वे लेकिन असी नहीं पा सलाम ने दर आला कोई मने ना जे दर त्याग है और घर आला कोई मने ना जे घर आला है उन्हें को भी मने ना अद्धा दिन दर आला को लबा अद्धा दिन घर आला को लबा अद्धा दिन की मिला घर आला को मिला और असी जे अहले बैत हैं वो तो इमाम हसन इमाम हुसैन जेडे उन्होंने बकाम ही मरत बाबे जाए थे अज भी असी सैयद ना इकराम करें सैयद ने क्या करें इकराम करें उसने एहतराम करें उसकी इज्जत करें सिर्फ इस वजह तो सिर्फ इस वजह तो कि ये आप अलैहि सलाम ने खानदान चो आप अलैहि सलाम ने भी किए खानदान चो आप अलैहि सलाम निशानियाँ दसिया क्योंकि फजलत मैं भी चाहना कि मैं सैयद होवा मैं भी चाहना कि मैं क्यों हुआ तो इस इकराम में तो ये लोग इकराम करें और जिस अल हजाज बिन यूसुफ जालिम जुल्म की थे और उस वक़्त उस अहले बैत को शहीद करना शुरू की उस वक़्त जेड़े सैयद है उन्हें अपनी कौम तब्दील करके दिया उसने जुल्म तो बचने वास्ते शर तो बचने वास्ते भाई अपनी कौम कितने की थी तब्दील से की थी जिस अल जुल्म ख़त्म थी आजाद बिन यूसुफ ना वत अमन आया और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ना जमानत दौर आ गया तो वत उन जेड़े आपने कौम कबीले तब्दील किए रहे उन दोबारा वत आ गए कि असी सैयद आ ए भी सैयद ए भी की सैयद है उन तो उस वाले आर्जी तौर पर उन्हें कौम बंदी की बने तो जेड़े हमारत असज है उन्होंने भी मौका मिला उन्हें आखा असजा दादा भी सही होता है दादा भी कौर है सही होता है किस वास्ते भाई फजीलत हो क्यों बजे फजीलत के वे हाँ एक खतीब है ना ना की ना अल्लाह शाह बुखारी रहमत एक दफा सफेद थे फरमाया फरमाया कि लोग आना भाई असने बारे के असी भी सारे भाई सैयद है भाई पता नहीं असने दादे परदादे उन चीज़ा भाई उन सैयद ए या नहीं अल्लाह बेहतर जानना लेकिन आखा ये जेड़े फलाने हजरत हैं इन असने सामने सैयद बने असी ने गवाही देना एक और असने सामने भाई सैयद बने पहले कौन है पहले पठान इन ना चा रखे शाह शाह मोहम्मद मोहम्मद शाह इन होने नहीं है वैसे भी पठान तो सैयद हो नहीं सकता सैयद तो कौम है पठान भी कौम है पठान भी केवे कौम है खानदान तो उन रखे ने ना तो अगो दस चली तो इतने पंजाब में चाहे भाई ईशा साहब है असी समसा भी किए वे सैयद तो उस वाले जिस कह को मौका मिला और उस समझा भी सारा तो इज्जत होनी उस अपनी कौम की करती तब्दील कर असी भी आखने आवाना इस इलाके ने बिच मियाली सारे लावे ने अगर कोई बंदा आके मैं आवाना तो आवान जेड़ा वो सदका खैरात जकात नहीं खा सकता सदका खैरात जकात आवान नहीं खा सकता अगर उसने खानदान बिच कोई रिश्तेदार एन भी सही तो उन्हें वो नहीं दे सकना उन्हें को नहीं सकता सारे क्यों असा इस गल से यकीन नहीं कि असी आवान इस गल से यकीन नहीं कि असी के वा आवान असले इलाके जो पेशे ये पेशा वाल ये खानदान उत्तों कट्ठे
एक भरा उस लकड़ी वाला काम शुरू करता, एक है उस दूसरा काम शुरू करता, उस इतने जिस आखने के मोहम्मद बिन कासिम आए सारा कुछ, तो उस वाले बाद खानदान बढ़ने गए, पेशे कस्बे बढ़ने गए,